लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और शादियों का सीजन भी चल रहा है। शादी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर पर इस हद तक छाया हुआ है कि पत्रिकाओं में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का विनम्र अनुरोध किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा और बुजुर्ग हर व्यक्ति के बीच पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता बन गए हैं। एक तरह से जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उम्मीदवार कोई भी हो, वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी का जादू लोगों के दिमाग में इस कदर घर कर गया है कि अब घर में होने वाली शादी समारोह की पत्रिकाओं में भी मोदी को जिताने की अपील संदेश के तौर पर की जा रही है। उज्जैन में दौलतगंज के बीच कारोबार बाबूलाल रघुवंशी और जितेंद्र रघुवंशी के घर होने वाले विवाह समारोह की पत्रिका में पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नारा दिया गया है, जिसमें लिखा है कि पिछली बार लहर थी, इस बार सुनामी लानी है, 2024 में मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। रघुवंशी परिवार में हो रही शादी की ये पत्रिका उज्जैन सहित बाहर के सभी रिश्तेदारों को भेज दी गई है। दूल्हे के पिता अर्जुन सिंह रघुवंशी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं दूल्हे के चाचा का कहना है कि मोदी जी ने हमारे धर्म के लिए काम किया है, उन्होंने वो काम पूरा किया जो पिछले कई सालों से लंबित था। ये 22 जनवरी के आसपास की बात है, जब राम जी की स्थापना हो रही थी अयोध्या में, और जब ये पत्रिका की तैयारी चल रही थी छपवाने की, तो ऐसा मन में आया कि जो राम जी को लाए हैं इस देश में, उसके लिए देशवासियों ने क्या किया। तो हमने पत्रिका छपवाते समय ऐसा विचार किया कि क्यों ना इसमें हम एक ऐसा प्रचार करें कि चूंकि 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में हम जब पत्रिका देने जा रहे हैं तो वहाँ उनसे बोलते भी हैं कि आपको हमारी शादी में तो पधारना नहीं है, लेकिन 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम पहले हमारे इस पत्रिका के ऊपर ही आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें। कहते हैं गर्व से वंशज हैं श्री राम के। मेरा नाम अश्विन रघुवंशी है और रघुवंशी परिवार कहलाता ही राम जी का वंशज है। तो जैसे ही राम जी का मंदिर का ओपनिंग हुई, जो उद्घाटन हुआ, जिसमें हमने मोदी जी को विशालकाय रूप में वहाँ पे उद्घाटन होते हुए देखा है, जो ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। इसलिए हमने इस बार पहल करी थी, जब हम पत्रिका बनाने के टाइम पे बैठे थे सब लोग घर में, दादाजी, पापा जी, बड़े आपा जी, तो ये बड़े आपा का सुझाव था एक कि इसके अंदर मोदी जी का भी लिखना चाहिए, मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है कि राम जी का मंदिर बन पाया है। और मोदी जी सनातन को लेकर जो अभी काम कर रहे हैं, जिस स्तर पर सनातन धर्म को पहुँचाए, वो सर्वधर्म में मानते हैं पर सनातन को परे रखते हैं। इसी के साथ जो उनकी दूसरी योजना है, जो 10 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, जिससे हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिला है, इसे देखते हुए हमने इस बार पहल करी थी कि जो शादी की पत्रिका है उसके अंदर मोदी जी के बारे में 2 लाइन का स्लोगन लिखा जाए, जो कि है, पिछली बार तो लहर थी, इस बार सुनामी लाना है, 2024 में प्रधानमंत्री तो श्री मोदी जी को ही बनाना है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे अश्विन रघुवंशी का कहना है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शादी के निमंत्रण कार्ड पर मोदी जी का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।